क्लास थर्ड जी के सब्जेक्ट पेज नंबर 31 चैप्टर इज 26 पीपल अराउंड द वर्ल्ड। लेट अस नाउ रीड डिफरेंट पीपल विद देयर ओन कल्चर ट्रेडिशनल्स ड्रेसेस फेस्टिवल एंड लैंग्वेजेस लिव इन द डिफरेंट इन द वर्ल्ड। हमारे पूरे वर्ल्ड में अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, उनका अलग अलग तरह का संस्कृति है, उनके व्यवसाय अलग हैं, उनका पहनावा त्यौहार और भाषा सब अलग अलग है। आइडेंटिफाई दीज कंट्रीज बाय रीडिंग क्लू। अब आप क्लू पढ़कर इसका कंट्री का नाम बताना है आपको। ओके स्टूडेंट्स, नंबर वन, आइस हॉकी इज अ वेरी पॉपुलर स्पोर्ट्स हियर। नंबर ऑफ इंडियंस लिव इन दिस कंट्री। आंसर इज कैनेडा, CANADA। इट शेयर्स इट्स बॉर्डर विद द स्टेट ऑफ पंजाब इन इंडिया। इट हैज़ मून एंड स्टार्स इन इट्स फ्लैग। ये हमारे इंडिया के बॉर्डर पर ही है, पंजाब के पास ही है। इसका जो फ्लैग है, झंडा है, उस पर चंद्रमा और तारे बने हुए हैं। वो कौन सा देश है? पाकिस्तान, PAKITSTAN। हमारा इंडिया का जो है वो तिरंगा है, तीन रंग है उसमें, एक अशोक चक्र बना हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, ऐसे ही पाकिस्तान का जो फ्लैग है उस पर मून और स्टार बना हुआ है। नंबर थ्री, इट इज़ लोकेटेड नियर असम एंड वेस्ट बंगाल। हॉली रिवर गंगा इज नॉन एज पद्मा इन दिस कंट्री। यह असम और वेस्ट बंगाल के पास है। यहाँ पर जो गंगा नदी है उसको किस नाम से जानते हैं? पद्मा के नाम से। वो कौन सा देश है? बांग्लादेश, BANGLADESH, बांग्लादेश। इनिशियली दिस कंट्री वॉज रूल्ड बाय द किंग, नाउ इट इज डेमोक्रेसी। द वर्ल्ड्स हाइएस्ट पीक इन लोकेटेड इन द कंट्री। नेपाल, NEPAL, नेपाल। नंबर फाइव, इट इज़ मोस्ट पॉपुलेट कंट्री इन द वर्ल्ड। यह दुनिया की सबसे प्रसिद्ध देश है, चाइना, CHINA, चाइना। इट इज़ ब्यूटीफुल आइलैंड कंपनी नियर केरला। इट्स ओल्ड नेम इज सीलोन। यह केरला के पास है, आइलैंड है, और इसका पहले का नाम सीलोन था। इसका नाम है स्वीडन, SWEDEN, स्वीडन। नंबर सेवन, दिस कंट्री इज कंटिनेंट। वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्लाइटलेस बर्ड ईमू लिव्स हेयर। यह एक ऐसा देश है जहाँ पर सबसे बड़ा पक्षी जो उड़ नहीं सकता है उसका नाम ईमू है, वो यहाँ रहता है। उस देश का नाम है ऑस्ट्रेलिया, AUSTRALIA, ऑस्ट्रेलिया। नंबर एट एंड लास्ट वन इज, इट इज़ द लीस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। यहाँ पर सबसे कम लोग यहाँ रहते हैं। इट्स नेम इज वेटिकन सिटी, VETICANCITY। नाउ ओवर द लेसन इज ओवर। 26, डू इन कॉपी एंड बुक, लर्न इट, कॉपी चेक्ड ऑन मंडे। ओके बेटा, थैंक यू।